सो हेलो गाइस, कैसे रूम सबसे बहुत ही अच्छा। तो भाई अभी मैं आपको न्यू कैरेक्टर एक फ्री फायर में आपको देखने को मिलेगा आफ्टर अपडेट। अपडेट साइज से भाई दिसंबर की 5 तारीख को यहाँ पर होने वाला है। उसके बाद आपको एक कोटा कैरेक्टर गेम में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका एबिलिटी भाई बहुत ही खास है, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा अभी गेम प्ले करके। तो सबसे पहले इसका जो एबिलिटी है भाई वीआर, मतलब जब भी आप पैराशूट से उतरोगे ना तो आसपास कोई भी अगर एनिमी होगा तो उसका लोकेशन यहाँ पर जो देख रहे हैं यहाँ पर सर्कल जैसे रेड कलर का एक मार्क होगा। जब तक आप पैराशूट से नीचे उतरोगे तब तक, जैसे नीचे उतर जाओगे तब ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसे आपको पता लग जाएगा कि कहाँ कहाँ पर बंदे हैं ताकि यहाँ पर आपको आसानी हो उतरने में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसका जो मेन एबिलिटी है भाई, यहाँ पर वॉल के पीछे भी बंदे का लोकेशन ये शो करेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो हर 1 सेकंड में शो करेगा, ठीक है। मतलब 1 सेकंड बाद ऐसे ब्लिंक जैसे करेगा, मतलब थोड़े थोड़े टाइम के लिए दिखाएगा, थोड़े थोड़े टाइम के लिए नहीं दिखाएगा, ऐसे करेगा। एंड यहाँ पर अगर बंदा जो है बैठा हुआ है या फिर लेटा हुआ है, मतलब प्रोन या फिर क्राउच करके बैठा है, तो यहाँ पर उसका जो लोकेशन है वो आपको शो नहीं करेगा, ठीक है। जैसे कि क्लू करेक्टर काम करता है ना, तो वो कुछ ऐसे ही ये काम करेगा, लेकिन यहाँ पर वॉल के आर पर ये बंदे का लोकेशन दिखाएगा विद इन 50 मीटर, ठीक है। 8 सेकंड्स तक, मतलब 8 सेकंड्स तक यहाँ पर लोकेशन जो है शो करेगा हर 1 सेकंड में, ठीक है। जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही खतरनाक होने वाला है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छा चीज़ है कि यहाँ पर फायर वगैरह आप नहीं कर पाओगे, मतलब वॉल के यहाँ पर आप मार नहीं पाओगे, वही एक अच्छा चीज़ है। एंड ग्लू के आर पर भी बंदे का जो लोकेशन है वो भी यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। बस वॉल के आर पर नहीं, हर चीज़ के आर पर यहाँ पर जो बंदे का लोकेशन वो शो करेगा हर 1 सेकंड में, ठीक है। तो आई होप यहाँ पर सबको समझ आ गया होगा कि कोटा कैरेक्टर कैसे काम करता है एंड कैसे आप इसको यूज़ कर पाओगे। तो बाय बाय टाटा, कुछ क्वेश्चन में पूछ सकते हो।